गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज पीके सागर एंड यू आर वाचिंग अवर यूट्यूब चैनल आरआर एकेडमी फिरोजाबाद। सो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द फोर साइड सागा, अ सीरीज ऑफ थ्री नॉवेल्स एंड टू इंटरल्यूड्स रिटन बाय जॉन गाल्सवर्थी। सो फ्रेंड्स, दिस टॉपिक इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर टीजीटी एंड पीजीटी एंड एनी अदर एग्जामिनेशन विच इंक्लूड English literature as its syllabus. So now I think that Hindi will be better than that of English language to that understand well. तो चलिए बात कर लेते हैं हम अपने इस फोर साइड सागा नोवेल की, कि ये नोवेल क्या है और क्यों ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्यों इसके लिए जॉन गाल्सवर्थी को नोबेल प्राइज मिला था। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम के लिए। चलिए शुरू कर लेते हैं, आज हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इंट्रो के लिए, हम डायरेक्टली अपने इस वर्क पर ही चलते हैं। तो बात करते हैं हम फोर साइड सागा की। सबसे पहले इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं कि ये आखिर है क्या। तो फोर साइड सागा, देखिए यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि फोर साइड सागा एक सीरीज है जिसमें थ्री नॉवेल्स हैं और टू इंटरल्यूड शामिल हैं। कुल मिला के ये कलेक्शन है फाइव टाइप्स के वर्क्स का। ओके फ्रेंड, चलिए मैं डिटेल में इसको यहाँ समझा देता हूँ। द फोर साइड सागा फर्स्ट पब्लिश्ड अंडर द टाइटल इन 1922। ये फोर साइड सागा के नाम से पहली बार जब पब्लिश हुआ था तो 1922 में पब्लिश हुआ था। एंड इट इज अ सीरीज ऑफ थ्री नॉवेल्स एंड टू इंटरल्यूड्स पब्लिश बिटवीन 1906 एंड 1921, जो कि 1906 से लेके 1921 के ड्यूरेशन में ये पब्लिश हुए थे। एंड दिस इज रिटन बाई जॉन गाल्सवर्थी, और इसको गाल्सवर्थी ने लिखा है। गाल्सवर्थी वॉन अ नोबल प्राइज इन 1932 फॉर इट्स डिस्टिंग्विश्ड आर्ट ऑफ नरेशन इन दिस नोवेल। यही जो कलेक्शन है फोर साइड सागा का, इसी कलेक्शन की डिस्टिंग्विश्ड आर्ट ऑफ नरेशन के लिए जॉन गाल्सवर्थी को 1932 में एक नोबल प्राइज भी मिला था। तो फ्रेंड्स, ये रहा इसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। अब बात कर लेते हैं हम इसमें कौन कौन से नॉवेल्स और कौन कौन से इंटरल्यूड शामिल थे, तब जाके ये बना था फोर साइड सागा, एक कलेक्शन ऑफ फाइव वर्क्स। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं। नंबर वन पे है हमारा द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। ये एक नॉवेल है, क्या है ये एक नॉवेल है और इसको लिखा गया है 1906 में। इसके नेक्स्ट है द इंटरल्यूड, ये एक इंटरल्यूड है और इंटरल्यूड बोलते हैं हम एक शॉर्ट स्टोरी को, एक छोटी सी कहानी होती है। तो इस कहानी का जो नाम था यानी टाइटल था, वो टाइटल था इंडियन समर्स ऑफ फोर साइड। जी हाँ, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है थोड़ी सी, सॉरी नहीं, एकदम करेक्ट है, फोर साइड ही लिखा हुआ है। तो इस कहानी का जो नाम था, शॉर्ट स्टोरी का जो नाम था, वो था इंडियन समर्स ऑफ फोर साइड, और ये स्टोरी लिखी गई थी 1918 में। द थर्ड नंबर ऑफ द वर्क इज चांसरी, एंड चांसरी इज ऑल्सो अ नोवल एंड इट इज ऑल्सो रिटन इन 1922। द नेक्स्ट वर्क इज द इंटरल्यूड, अगेन दिस इज अ शॉर्ट स्टोरी एंड द नेम ऑफ द शॉर्ट स्टोरी इज दैट अवेकनिंग। अवेकनिंग इज रिटन इन 1922, यानी का मतलब अगली जो वर्क है वो इंटरल्यूड है, और इंटरल्यूड को हम हिंदी में बोलते हैं एक छोटी सी कहानी, और ये छोटी सी कहानी का जो नाम था वो था अवेकनिंग, और ये लिखी गई थी 1920 में। इसके बाद में बात कर लेते हैं हम टू लेट, दिस इज द लास्ट नोवल included in the four side saga and this novel is written in 1921. The last novel इसमें शामिल था too late, इसका नाम था too late, too late को हिंदी में बोलते हैं जाने दो, या जो हो गया सो हो गया। ओके, तो 1921 में ये इसमें शामिल किया गया था, यानी इसमें लिखा गया था। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से वर्क आपके फोर साइड सागा के कलेक्शन में शामिल है। चलिए अब बात कर लेते हैं हम फोर साइड सागा के प्लॉट कंस्ट्रक्शन के बारे में और इसके करेक्टर्स के बारे में, क्योंकि सबसे पहले तो हम देखिए इसमें क्या है, इस नोवेल में है क्या। पहले ये नोवेल है, उसके बाद में ये शॉर्ट स्टोरी है, फिर नोवेल है, फिर शॉर्ट स्टोरी है, और उसके बाद में फिर नोवेल है। ओके, इस तरीके से ये पाँच तरीके के वर्क हैं, लेकिन पाँचों चीज़ों की जो कहानी है वो एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है। ओके, एक दूसरे से बिल्कुल जुड़ी हुई है। अगर हमने एक भी चीज़ को छोड़ दिया तो हम बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे कि आखिर फोर साइड सागा चीज़ क्या है। तो फोर साइड सागा को समझने से पहले मैं यहाँ पे करेक्टर्स के बारे में बता देता हूँ, जो कि इन पांचों वर्क्स में
यानी प्रेजेंट किए गए हैं, उसके बाद में आप आसानी से समझ जाएंगे कि पूरी की पूरी कहानी क्या है। इसलिए आपको 5 वर्ग पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप एक ही इस वीडियो में कम्प्लीटली समझ जाएंगे कि पूरी की पूरी 4 साइड सीरीज है वो क्या है। तो मैं यहाँ बात करता हूँ इसके करेक्टर्स के बारे में, आप जरा इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे और हो सके तो एक पेन और पेंसिल लेके बैठ जाइए, जिससे कि आपको बाद में इस वीडियो को दोबारा नहीं देखना पड़े। वैसे जहाँ तक मैं सोचता हूँ आप इस वीडियो को दोबारा फिर से देखोगे। तो यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट करेक्टर है इस नोवेल का वो है सोम्स फोरसाइट। देखिए सोम्स फोरसाइट, फोरसाइट इनका सर टाइटल है जो नाम के पीछे लगाते हैं, तो फोरसाइट, सोम्स फोरसाइट। ओके, सोम्स फोरसाइट कौन है? ए सॉलिसिटर, सॉलिसिटर एक फौज का आर्मी का अफसर बोलते हैं हम उसको, और मैन ऑफ प्रॉपर्टी। देखिए इसका टाइटल भी रखा गया है मैन ऑफ प्रॉपर्टी, ये क्यों रखा गया है अभी आप समझ जाएंगे, यानी इस नोवेल के अंतर्गत इसको मैन ऑफ प्रॉपर्टी भी बोला जाता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है पेनीलेस, नेक्स्ट कैरेक्टर है पेनीलेस, ये कौन है? द फर्स्ट वाइफ ऑफ सोम्स फोरसाइट। मैंने अभी ये जो करेक्टर बताया है इस करेक्टर की ये कौन है? वाइफ है। सोम्स फोरसाइट की वाइफ का नाम क्या है? पेनीलेस। ओके, ये सोम्स फोरसाइट की पहली पत्नी है, फर्स्ट वाइफ है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट कैरेक्टर है आपका फिलिप बोसनी, नेक्स्ट कैरेक्टर है फिलिप बोसनी। फिलिप बोसनी कौन है? द फ्रेंच आर्किटेक्ट हायर्ड बाई सोम्स टू मेक कंट्री हाउस एंड लवर ऑफ पेनीलेस। कहने का मतलब हमारा ये है कि ये एक फ्रेंच आर्किटेक्चर है, आर्किटेक्ट है जो घर बनाने के लिए हायर किया गया है किसके द्वारा? सोम्स फोरसाइट के द्वारा। कंट्री हाउस बनाने के लिए इसको किराए पर बुलाया गया है, तो जब ये इसके यहाँ पे कंट्री हाउस बनाने के लिए आता है तो सोम्स फोरसाइट की जो पत्नी है इसका नाम है पेनीलेस, इसको फिलिप बोसनी से प्यार हो जाता है और इनके बीच में एक लव अफेयर शुरू हो जाता है। आई थिंक आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि कैसे कैसे कंडीशन में लव अफेयर शुरू हो जाते हैं, तो सेम कंडीशन इनकी फैमिली में क्रिएट हो गई थी। ओके, नेक्स्ट है यंग जोलियन। देखिए यंग जोलियन कौन है? सोम्स कजन, यानी इनका चचेरा भाई है, जो सोम्स हैं सॉलिसिटर, इनका चचेरा भाई है यंग जोलियन। अब यंग जोलियन का क्या इसमें किरदार है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये कौन है? सेकेंड लवर एंड हस्बैंड ऑफ पेनीलेस। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये बात कि पेनीलेस का पहले जो अफेयर चला था वो किससे चला था? वो चला था फिलिप बोसनी से। ओके, फिलिप बोसनी के बाद में जो सेकंड अफेयर चला था वो चला था सोम्स कजिन, यानी सोम के चचेरे भाई यंग जोलियन के साथ में, यंग जोलियन के साथ में इसका सेकंड टाइम पे अफेयर चला था, और उसके बाद में यंग जोलियन के साथ में ही फिलिप, सॉरी यंग जोलियन के साथ में ही पेनीलेस की शादी भी हो गई थी। आपको समझ में आ रहा होगा? नहीं आ रहा है तो जब मैं इसके प्लॉट को एनालाइज कराऊंगा तो क्लियरली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट करेक्टर है एनिटे लोमटे, एनिटे लोमटे, ये करेक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कौन है? ये सेकंड वाइफ है सोम्स फोरसाइट की, यानी सोम्स फोरसाइट की जो सेकंड वाइफ है वो कौन है? इसकी जो सेकेंड वाइफ है वो है एनी लोमटे। ओके, पहली वाइफ कौन सी थी? पेनीलेस, ध्यान देना, पहली वाइफ पेनीलेस थी लेकिन सेकंड वाइफ कौन सी है? एनिटे लोमटे। ओके, सेकंड वाइफ ऑफ सोम्स फोरसाइट। इसके बाद में है फ्लियर, फ्लियर इज द डॉटर ऑफ सोम्स एनिटे लोमटे। कहने का मतलब है ये फ्लियर बेटी है, डॉटर है सोम्स की और एनिटे लोमटे की। जब ये दोनों शादी कर लेते हैं, एनिटे लोमटे यानी सोम्स की सेकेंड वाइफ और सोम्स की ये बेटी है फ्लियर। इसके बाद में नेक्स्ट कैरेक्टर है जॉन, जिसे हम यंगर जॉन बोल सकते हैं, उसका रीजन अभी बताता हूँ कि क्यों बोलते हैं, तो जॉन या यंगर जॉन। ओके, ये कैरेक्टर है सन ऑफ जोलियन एंड इरिने। कहने का मतलब है जोलियन कौन है? जोलियन जो सोम्स फोरसाइट है उसका चचेरा भाई है। ओके, और इरिने कौन है? इरिने सोम्स फोरसाइट की पत्नी थी जो बाद में जोलियन से शादी कर ली, तो इन दोनों के एक बेटा हुआ जिसका नाम रखा गया जॉन। ओके, और सोम्स फोरसाइट ने जो एनिटे लोमटे से शादी की तो उनकी एक बेटी हुई जिसका नाम था फ्लियर। क्लियर, इसके बाद में नेक्स्ट कैरेक्टर है माइकल मॉन्ट,
माइकल मॉन्ट जो है वो सन ऑफ बेरोनेट, एक और कैरेक्टर है इस नोवेल में जिसका नाम है बेरोनेट। तो माइकल मॉन्ट जो बेटा है वो है बेरोनेट का, ओके। और माइकल मॉन्ट बाद में हस्बैंड बन जाता है, किसका हस्बैंड बन जाता है, फिलियर का, ध्यान देना, फिलियर का हस्बैंड भी बन जाता है ये। तो ये रहे इसके करेक्टर्स। अब मैं इनको बड़े ही प्यार से समझाता हूँ जिससे आपको करेक्टली आपकी समझ में आ जाएगा कि आखिर पांचों नोवेल की कहानी क्या है। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 मिनट का टाइम लूंगा और पूरी कहानी आपको समझ में आ जाएगी, और इसमें उसके बाद आपसे शायद कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ओके। तो चलिए शुरू कर लेते हैं हम पूरी कहानी को वन बाई वन, प्लॉट कंस्ट्रक्शन या प्लॉट एक्सप्लेनेशन वन बाई वन। पहला जो नोवेल शुरू होता है वो शुरू होता है द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। यहाँ पे स्पेलिंग हो गई है, प्रॉपर्टी हो गया ये, यहाँ पे आप लिख लेंगे प्रॉपर्टी, ओके, मैन ऑफ प्रॉपर्टी। तो ये नोवेल शुरू कहाँ से होता है, जो फोरसाइट है, सोम्स फोरसाइट, सोम्स की स्पेलिंग भी गलत है, यहाँ पे ए लगा लेंगे बीच में, SOAMES, सोम्स फोरसाइट, अ सॉलिसिटर, अ मैन ऑफ प्रॉपर्टी, इज मैरिड टू द ब्यूटीफुल पेनलेस इरिने। देखिए इसकी वाइफ का नाम क्या है, पेनलेस इरिले। तो इसके साथ में इसकी शादी हो जाती है, इस लड़की के साथ में, जो बहुत ही ब्यूटीफुल थी, इतनी ब्यूटीफुल थी कि कोई भी देख के उससे प्यार करना शुरू कर दे। लेकिन जब शादी हो जाती है उसके बाद में वो क्या करती है, हु रिवील्स अगेंस्ट वैल्यूज, लेकिन उसने उसकी इज्जत खराब कर दी, किसकी, सोम्स फोरसाइट की इज्जत से खेल गई वो। क्यों, क्योंकि शी फॉल्स इन लव विद फिलिप बोचनी द फ्रेंच आर्किटेक्ट हुम सोम्स हैड हायर टू मेक कंट्री हाउसेज, जिसको सोम्स फोरसाइट ने अपना कंट्री हाउस बनाने के लिए किराए पर बुलाया था, उसी के साथ में उसकी पत्नी का अफेयर शुरू हो गया। सोम्स रेप्स इरिने हु ही हैज कंसिडर्ड हिज प्रॉपर्टी एंड प्रोसीड टू रुइन बोसिनी। देखिए जब उसे लगा कि मेरी वाइफ का अफेयर किसके साथ चल गया है, फिलिप बोसिनी के साथ में प्रेम प्रसंग शुरू हो गया है मेरी पत्नी का, तो उसने गुस्से में आके अपनी वाइफ का रेप कर दिया, क्योंकि उसे लगता था कि वो उसकी वाइफ नहीं, उसकी प्रॉपर्टी है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों गाल्सवर्दी ने इसका नाम रखा है ए मैन ऑफ प्रॉपर्टी, क्योंकि वो अपनी वाइफ को अपनी प्रॉपर्टी समझता था, वो ये सोचता था कि मैं अपनी वाइफ के साथ कुछ भी कर सकता हूँ, ये सिर्फ मेरी है, ओके। तो फोर्सली उसने उसे रेप कर दिया, और उसके बाद में क्या किया, एंड प्रोसीड टू रुइन बोसिनी हु इज डेड इन अ कार एक्सीडेंट, जो कि एक रोड एक्सीडेंट में मारा गया, ओके। उसका पीछा करने लगा, पीछा क्यों करने लगा उसका, कि अब मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, इसने मेरी बीवी के साथ में अफेयर चलाया है, मैं इसको मार डालूंगा। लेकिन इत्तेफाक से उसकी एक रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई लंदन में ही, ओके। और इरिने रिटर्न्स टू सोम्स अगेन, उसके बाद में देखिए यहाँ पे मैंने हर बार मिस्टेक कर दी है, ये सोम्स की जो स्पेलिंग है वो गलत हो गई है, आप इसको SOAMES कर लेंगे, ओके, थोड़ी टाइप करने में मिस्टेक हो गई, आप इसे सही कर लेना। इसके बाद में वो दोबारा से अपने पति की तरफ लौट आई, उसके बाद में दूसरा प्ले स्टार्ट होता है, क्या होता है, दूसरा सेकेंड नोवल स्टार्ट होता है, जिस नोवल का नाम रखा गया है चांसरी। क्या रखा है, चांसरी का मतलब ही होता है बाई चांस। तो चांसरी में क्या होता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। इट कंसर्न द लव बिटवीन इरिने एंड यंग जोलिन। देखिए यंग जोलिन कौन है, सोम्स का चचेरा भाई है। तो सोम्स के चचेरे भाई की और सोम्स की पत्नी की जो प्रेम कहानी है वो सेकंड नोवेल में दिखाई जाती है। यानी उसकी बीवी का करैक्टर ऐसा था कि पहले उसने किससे प्रेम प्रसंग शुरू किया, फिलिप से, यानी कि जो फ्रेंच आर्किटेक्ट था उसके साथ में उसका अफेयर चला, उसके बाद में यंग जोलिन के साथ में उसका अफेयर शुरू हो गया। तो फोरसाइट सम देखिए यहाँ पे हर बार ये मिस्टेक हो गई है, टाइप करने में ऑटो बटन दब गया शायद इस वजह से। तो सोम्स कजिन, यानी ये किसका कजिन है, सोम का। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इससे पहले एक इंटरल्यूड पड़ता है, जैसे मैंने बताया कि 5 तरीके के इसमें वर्क हैं, तो इंटरल्यूड में क्या रह जाता है, इंटरल्यूड में होता है द स्टोरी ऑफ लास्ट डेज ऑफ सोम्स कजिन, जिसका नाम है यंग जोलिन। यानी जो इंटरल्यूड है
उस इंटरल्यूड में सोम्स का जो कजिन है जोलिन, यंग जोलिन, इसके पुराने दिन यानी इसकी बीती जिंदगी के बारे में, इसके माता पिता के बारे में कहानी बताई गई है। ओके क्लियर। तो और उसका नाम क्या है, एन इंडियन समर्स ऑफ फोरसाइट, ये इस कहानी का नाम है जो प्रेजेंट प्रीलूड है, जिस प्रीलूड में इसके पुराने दिन की कहानी बताई गई है यंग जोलियन की, उसका नाम है एन इंडियन समर्स ऑफ फोरसाइट। ओके, तो क्या होता है जब इनका अफेयर शुरू हो जाता है उसके चचेरे भाई का और उसकी पत्नी का, तो इरेने एंड सोम्स आर डिवोर्स, तो दोनों हस्बैंड वाइफ डिवोर्स ले लेते हैं, एंड शी मैरिज जोलिन एंड वियर्स अ सन नेम्ड जॉन, और उसके बाद में वो उसके जो चचेरा भाई है जोलिन से शादी कर लेती है और उनके एक बेटा होता है जिस बेटे का नाम रखते हैं जॉन। सोम्स मैरिड टू एनिटे लॉमटे, जब उसने अपनी पत्नी को डिवोर्स दे दिया तो उसके बाद में उसने भी सेकंड मैरिड कर ली जिसमें उसकी पत्नी का नाम होता है एनिटे लॉमटे, और उनके भी एक बेटा यानी बच्चा होता है जिस बच्चे का नाम रखा जाता है फिलियर, और ये कौन होती है, एक बेटी होती है, ध्यान देना। तो फ्लियर बेटी हो गई किसकी, सोम्स की और एनिटे लॉमटे की, और जॉन बेटा हो गया किसका, जोलियन का और इरेने का, इसका यानी उसकी पत्नी का। तो अगली बात करते हैं हम थर्ड की, थर्ड नोवेल जो उसमें है जिसका नाम है टू लेट, मतलब जाने दो। तो इस नोवेल में क्या कहानी घटित होती है, फ्लियर एंड जॉन ग्रीव अप एंड फॉल इन लव। देखिए कितनी एक अजीब बात हो जाती है कि दोनों ही भाई बहन होते हैं फ्लियर एंड जॉन, भले ही सौतेले होते हैं यानी कि एक दूसरे के हस्बैंड वाइफ के रिश्ते खराब हो जाते हैं तो वे दूसरी दूसरी शादी कर लेते हैं, लेकिन होते तो वो भाई बहन ही हैं, लेकिन फिर भी जब वो बड़े होते हैं तो उसके बाद में वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं एक मीटिंग में और एक दूसरे से प्यार करना शुरू कर देते हैं। ओके, तो जोलियन इन्फॉर्म्स हिज सन, और वो अपने अपने घर पे भी बताते हैं कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। तो जोलियन इन्फॉर्म्स हिज सन, जोलियन कौन है, सोम्स का यानी सोम्स फोरसाइट का भाई है, चचेरा भाई है जिसका बेटा होता है कौन, जॉन। ओके, तो वो जॉन को बताता है, जोलियन इन्फॉर्म्स हिज सन जॉन इरेने एंड सोम्स पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, ध्यान देना इस चीज की, यानी वो अपने बेटे को बताता है किसके बारे में, इरेने एंड सोम्स पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, कहने का मतलब ये बताता है कि इरेने यानी तुम्हारी माँ और जो उस लड़की का बाप है वो दोनों कभी पति पत्नी हुआ करते थे, इसका मतलब तुम और वो लड़की कौन हो गए, भाई बहन हो गए। ओके, एल्दो फ्लियर इज डिटरमाइंड टू मैरी जॉन, इतनी कहानी जानने के बाद में भी जो फ्लियर थी यानी कि सोम्स की बेटी थी, सोम्स की और एनिटे लॉमटे की जो बेटी थी, वो फिर भी यही चाहती थी कि भाई बहन है तो क्या हुआ, हम तो शादी करेंगे, बट जॉन रिफ्यूज्ड, तो जॉन मना कर देता है क्योंकि वो फैमिली वैल्यू को ज़्यादा वैल्यू देता है, इसलिए वो उससे मना कर देता है, बोल देता है कि हम दोनों एक दूसरे के रिलेशन में हैं, भाई बहन है, इसलिए हम शादी नहीं कर सकते। ओके, फ्लियर बिकम्स द वाइफ ऑफ माइकल मॉन्ड, तो जब वो मना कर देता शादी के लिए तो फिलियर की शादी किससे हो जाती है, माइकल मॉन्ड से, और वो उसकी वाइफ बन जाती है, क्योंकि बेटा किसका है, वॉरनेट का बेटा है ये। इसके बाद में जोलिन्स डाइस, जोलिन का मर जाता है यानी जिसके साथ में सोम्स की वाइफ ने शादी की थी और जो सोम्स का चचेरा भाई था वो मर जाता है, एंड इरेने लीव्स इंग्लैंड, और इरेने थी यानी सोम्स की जो पुरानी पत्नी थी पहले नंबर की, वो इंग्लैंड छोड़ देती है, इंग्लैंड छोड़ के चली जाती है। सोम्स डिस्कवर्स दैट हिज वाइफ एनिटे इज इन्वॉल्व इन एन अफेयर विद अ फ्रेंच मैन एज इरेने हैड बीन, कहानी फिर से वहीं दोहराई जाती है कि उसकी जो सेकंड वाइफ थी एनिटे लॉमटे वो भी एक फ्रेंच पर्सन के साथ में अफेयर्ड हो जाती है, उसका भी प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है ठीक वैसे ही जैसे कि उसकी पहली पत्नी का हुआ था। तो आई थिंक फ्रेंड्स कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, ये तीनों चारों नोवेल्स हैं, तीन नोवेल्स और दो प्रीलूड, उनकी इंक्लूडेड कहानी है पूरे तरीके से। आप अगर अकेले अकेले कहानी को पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट करें मुझे, मैं पूरे तरीके से डिस्कस करूंगा, लेकिन आई थिंक अब आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इनको अलग अलग, क्योंकि मैंने पूरी की पूरी कहानी डिस्कस कर दी है और आपके अच्छे तरीके से समझ में भी आ गई होगी। मैं
जितनी भी वीडियो बना रहा हूँ उन सभी का PDF अपने टेलीग्राम ग्रुप पर छोड़ रहा हूँ, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिस पर क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें और PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, और जाते जाते बोलूँगा, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, जिससे आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुँच जाएँ। तो आज के लिए इतना ही, चलते हैं, बाय बाय।